हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सूजी की खांडवी। बेसन की खांडवी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन एक बार ये सूजी की खांडवी खा के देखिए। ये काफ़ी हल्की होती है और खाने में काफ़ी टेस्टी है, और इसे बनाना भी काफ़ी ईजी है। ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सूजी, वो मैंने मिक्सर जार में डाला है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 2 चम्मच चावल का आटा। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप दही। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और मिक्सर जार को मैं चला लूँगी थोड़ा पानी देके। 1/2 कप पानी देके मैं इसे चला लूँगी। हमें ऐसा बैटर बनाना है। ये बैटर लिक्विडी फॉर्म में ही होगा। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में ही चाहिए हमें। अब इसमें मैं ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ। इसे अच्छा से मैं मिक्स कर लूंगी। अब इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 थाली, किनारों वाली थाली हमें चाहिए। इसे मैं चारों ओर से ग्रीस कर लूँगी। ऐसी थाली में हम इसे डालेंगे। थाली को मैं ग्रीस कर लूँगी। फिर इसमें 2-3 चम्मच डाल के हम इसे थाली को पकड़ के इसको चारों ओर फैला लेंगे। हाथों की मदद से हम थाली को घुमा घुमा के इसे फैला लेंगे। फिर हम इसे स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई गैस में बैठा दी है। 1 ग्लास पानी देके और उसमें स्टैंड भी लगा दिया है। अब ये थाली मैं इसमें बैठा दूंगी और इसे कवर करके 2-3 मिनट पका लूंगी। मैंने 2 मिनट इसे पका लिया है। ये ऊपर से अच्छा से ड्राई हो गया है। अब मैं इसे धीरे से निकाल लूँगी और इसे ठंडा करके मैं काटूँगी। ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसे काट रही हूँ। फिर मैं इसे रोल करूँगी। ये बड़े आराम से रोल हो जाता है हाथों की मदद से। हाँ, हमें रोल करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं ऐसे ही सारी खांडवी रोल्स बना लूँगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैंने ऐसे ही सारे खांडवी रोल्स बना लिए हैं। अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तड़का लगाने के लिए मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया है। इसमें मैं डालूँगी राई के दाने और 2 ग्रीन चिली, 2 रेड चिली और कड़ी पत्ते। ये मैं इसमें ऐड करके चला लूँगी और मैं एक एक करके खांडवी इसमें डाल दूँगी। और 2-3 मिनट मैं इन्हें इसमें सेक लूँगी। हमारी खांडवी थोड़ी सी क्रंची हो जाए तो मैंने डिश आउट कर लूँगी। मैंने इन्हें अल्टी पल्टी करके सेक लिया है। हमारी खांडवी अब बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए। मेरी खांडवी रेडी है अब सर्व के लिए। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आपसे मिलती रहूँगी। बाय, टेक।